हाय दोस्तों, देखिए पेट्रोल गाड़ी है एस गोल्ड। इसमें यही दिक्कत है कि एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा है। गाड़ी चालू हो रही है, एक्सीलेटर थोड़ा भी काम नहीं कर रहा है। देखिए चले हम बनाएंगे क्या दिक्कत हो रही है। लास्ट मीटर ऑन कर रहे हैं। एक लाइट जल रहा है, इंटर कर लेंगे गाड़ी। गाड़ी चालू हो रही है लेकिन एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा है, थोड़ा भी काम नहीं कर रहा है। एक्सीलेटर पेडल हमारा सही है, उस साइड से देखेंगे क्या दिक्कत हो रहा है। लैपटॉप में टोटल पैडल पोजीशन सेंसर बता रहा है, वो हम इसमें क्या करेंगे। लाइट जला रहा हूँ। ये जो पाइप है ये टोटल पोजीशन सेंसर है, ये इसके नीचे यहाँ प्रेशर देखिए क्लिप होता है, यहाँ पे जो अप डाउन करता है वो नहीं कर रहा है, पूरा जाम हो गया। देखिए छोड़ा है तो रेस हो रही है और पकड़ ले रहा है तो नहीं हो रही है, हार्ड भी है, अंगूरी से दाब रहे हैं इसे। टोटल यही दिक्कत है, जिसे बाहर आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है। देखिए दब रहा है तो रेस हो रही है, ये ख़राब है, ये पूरा सिस्टम इसमें ख़राब है, इसीलिए इसका एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा है। टोटल इसमें यही कुछ रखा है, जैसा नहीं कुछ ज़्यादा फॉल्ट नहीं है, उसी का ही बता रहा है। हम इसे क्लियर कर लेंगे तो उसे हम चेंज कर देंगे तो हमारे एक्सीलेटर वाला काम सही हो जाएगा। उसके बाद स्टार्टिंग प्रॉब्लम में आई, हम लोग बताते हैं कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम अगर नहीं होती है क्या करें। अगर इसमें करेंट नहीं आ रहा है इंजेक्शन कॉइल में तो ये वाला रिले चेक करेंगे, ये वाला रिले ख़राब हो जाता है। लिखा है जो इलेक्ट्रिकल फ्यूल, ये ECM का है और ये फ्यूल का है, तेल का है। इतना काम करेंगे स्टार्टिंग प्रॉब्लम में, और बाकी सिलेटर वाला काम वही है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़िए, वो सामान लगा देंगे, हमारी गाड़ी चालू हो जाएगी।